भाई मैं अभी इस टाइम इनके बच्चे को लेके पहुंच गया हूँ। 3 नंबर के ऊपर बना हुआ है रेड डॉट। क्या हुआ हैं? अभी आप सही हो जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है? परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो, पापा मम्मा को बुलाता हूँ अभी ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह रेड डॉट के अंदर हमने बच्चे को एडमिट करवा दिया है। ये बच्चा है माशाल्लाह से यार, अभी इसके ऑक्सीजन वगैरह लगा हुआ है, अब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से हैं। जैसा कि आपको पता है आज फूड पांडा वाले भाई के घर जाना है और लोकेशन है गुलशन की, ठीक है? तो गूगल मैप स्टार्ट करते हैं और लोकेशन को फॉलो करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और बच्चे की कंडीशन देख के डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं, क्योंकि यार वो बेचारा अकेला अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसकी हेल्प करनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है? सफर को करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। भाई क्या हुआ? मुझे भी लेके चलो। भाई अभी आपका भाई पहुंच गया है खड्डी स्टॉप वाले पंप के ऊपर, यहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे और कुछ पेमेंट निकालनी है। पेट्रोल डलवाने के लिए तो उतर तो गया, मैं जेब में पैसे है नहीं पेट्रोल डलवाने के लिए। सबसे पहले हमें एटीएम यूज करना पड़ेगा, उसके बाद पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो जेब में है ही नहीं। ठीक है भाई, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मुझे पता है ये पाकिस्तानी मशीन है, इसके अंदर आप पहले कार्ड डालोगे उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले शो करेगा। देखो जादू दिखाता हूँ। वही नहीं भाई, नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं वही वही जा रहा चलो ये देखना, डिस्प्ले नहीं आ रहा ना, अभी कार्ड अंदर गया है, मेरे ख्याल से आ जाओ। ओए ओए नहीं करो भाई, लो डिस्प्ले ही नहीं है भाई, लो गया कार्ड। ओए भाई क्या कर दिया ये मैंने, प्रैंक हो गया मेरे साथ, क्या कर दिया ये। बाहर आ जा भाई, वापसी बाहर दे दो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कार्ड आ गया भाई, यहाँ से नहीं निकल सकते पैसे, चलो बाहर। अब मैं आ गया हूँ शाह फैसल के अंदर और ये शमा शॉपिंग के बराबर में जो है इसको लॉक करना पड़ेगा। यहाँ से लॉक कर लो भाई, लो ये देखो पाकिस्तानी लॉक। मोबाइल को जेब में रखते हैं, टीम दिल्ली से मार दो, निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे भी 15 मिनट लगाने पड़ेंगे भाई, यहाँ पे भी टायर ट्रस्ट लगा हुआ है यार। भाई जो शॉर्ट रास्ता था ना एयरपोर्ट आने का यार, वो वाला तो रास्ता बंद है और वहाँ पर काम चल रहा है, वहाँ पर ना रोड वगैरह बन रहा है, तो थोड़ी सी क्वारी होगा ये वाले रास्ते से, अंदर वाले रास्ते से आ गए। ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है लाइफ में, आप सीधा सीधा जाते रहो कहीं ना कहीं तो निकाल ही देगा, पूछ पूछ के जाना पड़ेगा भाई, बाकी बना हुआ बड़ा खूबसूरत है भाई। भाई वो जो भाई है ना फूड पांडा वाला, उसने कहा था फहद भाई आप फरहान बिरयानी के पास आके मुझे कॉल करिएगा, मैं वहाँ से आपको रिसीव कर लूँगा। तो अब मैं पहुँचने वाला हूँ फरहान बिरयानी, मेरे ख्याल से पहलवान गोट के लाता है ये जगह ना, तो अब मैं फरहान बिरयानी पे खड़े होकर भाई को कॉल करूंगा, वो यहाँ से आके रिसीव कर लेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता नहीं है, बस यही पता था फरहान बिरयानी की जगह ना, तो कॉल करते हैं भाई को। और आपका भाई पहुँच गया फरहान बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई, कैसे हैं? ये फरहान बिरयानी के पास आ जाएं आप, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है? आ जाएं जल्दी आ जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपको ना इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे हैं भाई के ना, इनके बच्चों के, तो काइंडली आप वो चेक कर लें और मुझे बता दें कि अगर हम लोग कवर कर सकते हैं तो मैं इनको अपनी तरफ ही लेकर आ जाऊँगा। जी जी मैंने व्हाट्सअप कर दिया, जजाकल्ला, शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह। भाई ये है रेड डॉट के स्पेशलिस्ट हैं बच्चों के डॉक्टर ना, तो बोला भाई इनसे कांटेक्ट करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि यार बच्चों को प्रॉब्लम क्या है। अब जाहिर सी बात है मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, मैं तो दूसरे हॉस्पिटल में ले के भागूंगा, इससे पहले इनको टेस्ट करवाए, जो इनकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना वो डॉक्टर साहब को दिखाऊँ, ताकि वो जो मशवरा देंगे ना वो अच्छा देंगे, क्योंकि यार मेरे बच्चे की भी अगर तबीयत खराब होती है ना तो मैं सबसे पहले इन्हीं के पास लेके भागता हूँ, क्योंकि स्पेशलिस्ट हैं बच्चों के। भाई वो भाई बेचारे माजूर हैं यार जमील भाई, तो उनको परेशानी हो रही थी यहाँ पर आने में, तो उन्होंने कहा फहद भाई मेरे घर से थोड़ा ज़्यादा दूर है फरहान बिरयानी, आप रुके मैं आ रहा हूँ, मुझे 5 से 10 मिनट लगेंगे, मैंने आप मुझे जगह बताएं, तो उन्होंने कहा यार बिस्मिल्लाह टावर है, ये रहा बिस्मिल्लाह टावर। उन्होंने बोला फहद भाई वहाँ पर आ जाएंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मैंने कहा सारी आसानियाँ देंगे भाई, आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह मैं खाली 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ, मैं पहुँच गया हूँ भाई का, वेट कर रहा हूँ यहाँ खड़ो। तो चलो भाई जमील भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्यों होते हैं परेशान यार, अल्लाह की ज़ात आपके साथ भाई, हम लोग साथ हैं, आवाम साथ आपके। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? कैसी हो आप? चलें चलें लेके चलें, चलें भाई जमील भाई आ गए। भाई मैं अभी भाई के घर पे पहुंच गया हूँ, मैं बच्चे की कंडीशन आप लोगों को दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ है मुन्ना, कहाँ है आपका? यहाँ पर है कमरे में। बिस्मिल्लाह, आ जाओ आप ध्यान से, आओ जरा आ जाओ आ जाओ,
क्या हुआ? सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? कैसे हो? ये देखो बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप बेटा? खैरियत से हो? क्या हुआ अभी? ये सुस्त हो गया बिल्कुल ही। दिखाना सांस कैसे ले रहा है। सांस देखो ना। सांस इसका ना मुझे लग रहा है सीना वीना खराब हो रहा है। सीना खराब है। हाँ ये देखो झटके मार रहा है। झटके मार रहा है यार। मेरी ना अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट वगैरह भेजो आप इनके। जी जी ठीक है। अभी आपने ड्रिप कब लगवाई है इसको? यार तो पाँव में भी कनोला वगैरह लगा हुआ है यार। ये रात को लगी है ना। हाँ अभी ये तकरीबन इसको 3 ड्रिपे लगी है, तो ये इसमें कुछ सांस आई है, वरना ऐसे पड़ा रहता था ना। ये 3 ड्रिपों के बाद थोड़ी कंडीशन की बेहतर हुई है, पर डॉक्टर बोल रहा है, मैंने जो डॉक्टर साहब को वीडियो दिखाई है ना अभी, वो बोल रहा है कम से कम भाई इसकी कंडीशन ना, मेरे को डॉक्यूमेंट भेजो, उसके बाद इसका इलाज वगैरह करेंगे। ठीक है। अब यार इसका ख्याल रखो तुम यार। हाँ ये देख रहे हो। नहीं नहीं इसका सीना बहुत ज्यादा खराब हुआ, इन्फेक्शन हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। मैं बात करता हूँ डॉक्टर साहब से भी ना। टेंशन नहीं लो, परेशान नहीं हो भाई, आ गया तुम्हारा, टेंशन नहीं लो, लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हें ना, टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाओ बाहर आ जाओ, तुम मुन्ने को दिखा दो यहाँ पर। ठीक है, मैं पहले डॉक्टर साहब से बात कर लूँ, अगर डॉक्टर साहब नहीं, आ जाओ बाहर, समझा करो, आ जाओ। अरे कोई मसला नहीं है, आ जाओ। अरे मसला नहीं है भाई जी, फिर आ जाओ बाहर आ जाओ, मुन्ने को लिटा दो, आप अपनी फैमिली को बोलो मुन्ने के पास आ जाए। ठीक है भाई, मैंने बच्ची की बस कंडीशन देखनी थी, वो मैंने देख ली है। अब डॉक्टर साहब से बात करते हैं यहाँ, डॉक्टर साहब अगर बोलेंगे कि हाँ अभी लेकर आ जाओ, तो फिर अभी लेकर आ जाएंगे, वरना डॉक्यूमेंट्स वगैरह डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। भाई मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे इनके एरिया के अंदर, एक अंकल खड़े। अंकल क्या नाम आपका? अब्दुल्ला। भाई अंकल खुद बता रहे हैं कि बेचारा काफी टाइम से परेशान था, क्या हुआ था अंकल? नमोनिया हो गई है बच्चे को। अच्छा, आप बता रहे हैं कि दूसरे हॉस्पिटल भी ले लेके भाग रहा बेचारा। हॉस्पिटल रात को लेके गए थे गाँव में भी। अच्छा, वहाँ से सही नहीं हुआ है, और बेचारा फूड पांडा पे काम भी कर रहा रातों को। जी जी रात को काम भी। अब आप बताएं ना, ये बेचारा 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाला, ये 15-20 हज़ार तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए, 15 हज़ार भी कमाने वाला कैसे पूरा करेगा? सही बात है। ये बेचारे की एफर्ट है भाई जमील भाई की, माशाल्लाह से जमील भाई मेहनत रिस्क हलाल कमा रहे हैं। रातों को भाई मैंने 3:30 बजे कॉल करी, जमील भाई कहाँ हो? आपने बच्चों के डॉक्यूमेंट भेजो। बोले फातमे में डिलीवरी करने के लिए आया हूँ। ये इनके इलाके वाले खुद बता रहे हैं कि भाई बंदा बहुत मेहनती है। भाई जमील भाई कह रहे हैं फात भाई मैंने जीना के अंदर दिखाया था यार, वहाँ पे ना मेरे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे मैं कोई लेडीज नहीं छोड़ सकता, और थोड़ी वाइफ की कंडीशन भी सही नहीं है, तो काइंडली प्लीज़ आप अगर प्राइवेट में दिखा दें तो बेहतर हो जाएगा, मेरे बच्चा जल्दी सेहत याब हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आपका दिल नहीं मान रहा जीना पे, मैं तो वैसे भाई रिकमेंड जो करूँगा वहीं का करूँगा जीना का। खैर इनका दिल नहीं मान रहा था, तो यार बच्चा इनका, इनकी भी थोड़ी बहुत सुननी चाहिए, इन्होंने कहा प्राइवेट में दिखा दें। एम्बुलेंस आ गई है, अब हम एम्बुलेंस के अंदर लेके जा रहे हैं इनके बेटे को। ठीक है, और हमारी तरफ बच्चों के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं रेड डॉट के अंदर, डॉक्टर इजाज, तो उनको दिखाएंगे इनके बच्चे को। ठीक है भाई, मैं अभी इस टाइम इनके बच्चे को लेके पहुंच गया हूँ 3 नंबर के ऊपर बना हुआ है रेड डॉट। सही है, रेड डॉट बना हुआ है फोरंगी 3 नंबर पे, ये ग्राउंड है और पंप के सामने, रेड डॉट के अंदर लेके पहुंच गया हूँ जमील भाई के बेटे को। अब यहाँ के जो भी हिसाब किताब है सब डन करेंगे, और उनके बच्चे को यहाँ पे एडमिट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। भाई जमील भाई से अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेता हूँ बच्चे के, और डॉक्टर साहब को दिखा दूँगा। 50% डिस्काउंट के ऊपर बात हुई, डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो आप बच्चे को ऊपर लेकर आओ, ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, तो मैंने बोल दिया भाई को कि बच्चे को दे दो ऊपर, डॉक्टर साहब के पास ले आके उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा। भाई ये बच्चा है माशाल्लाह से, देखो कितना प्यारा है यार। अभी ना इसको लेकर आ गए इसके मम्मा पापा से, डॉक्टर साहब को चेक करवाएंगे, फाइनल डिसीजन बताते हैं। क्या हुआ हैं? अभी आप सही हो जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो, पापा मम्मा को बुलाता हूँ भी ऊपर। भाई अल्हम्दुलिल्लाह रेड डॉट के अंदर हमने बच्चों को एडमिट करवा दिया है, ये बच्चा है माशाल्लाह से यार, अभी इसके ऑक्सीजन वगैरह लगा हुआ है, अब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई जो भी कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है, जो भी जमील भाई की हेल्प करना चाह रहा है, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है यहीं पर आकर, जमील भाई यहीं पे मिलेंगे, या मुझसे यहीं पे कॉन्टैक्ट कर ले, कमेंट कर ले कि भाई मिलना चाह रहे हैं, तो मैं यहीं पे मिल सकता हूँ आप लोगों से। अब जितनी कोशिश हो सकेगी यार इनका साथ देंगे, ताकि इनका बच्चा जल्द से जल्द सही हो जाए और अपने घर जाए। मैं डेली यहाँ पर 1 से 2 के दरमियान में यहाँ पर आऊँगा, दिन के अंदर 1 से 2 के दरमियान बीच में कभी भी आ सकता है, मैं रेड डॉट पर ही मिलूंगा। ये कोरंगी नंबर 4 पे बना हुआ है, ठीक है, ये सामने पेट्रोल पंप बना हुआ है, और ये ग्राउंड है जहाँ पे इतवार बाजार लगता था पहले, ये ख़त्म हो गया है, तो दवाइयाँ दिला दे, डॉक्टर की फीस दे दे, तो अच्छा हो जाएगा, हम लोग सब मिल बांट के करेंगे, तो बेचारे के बच्चे की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। भाईजान कैसा लग रहा है आपको, आपके बच्चा एडमिट हो गया है यहाँ पर? बहुत खुशी हुई फहद भाई, यकीन करे इतना मेरा मसला हल हो गया, वरना मैं गाड़ी बेच रहा था, पता नहीं सोच रहा था खुद। नहीं नहीं अल्लाह ना करे यार, ऐसे कैसे गाड़ी बेच दोगे यार, आप रोजगार कैसे करोगे फिर? हाँ
हैं, बच्चा ठीक हो जाए बाबा हो जाएगा परेशानी। भाई अच्छी बात ये है इनको यहाँ पर रुकने की इजाजत मिल गई है, वार्ड खाली था, बेड खाली था एक, तो उसको बोला कि आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो, अभी इनकी मदर यहाँ पे रुकेंगे अपने बच्चे के साथ, ठीक है, और कुछ दवाइयाँ दी हुई पहले वो लेकर आ जाते हैं ताकि इनके हैंड ओवर करेंगे और फिर इनको अलविदा बोलेंगे ताकि खैर खैरियत से अपने घर चले जाएं। भाईजान जमील भाई डॉक्टर साहब कह रहे हैं इंशाल्लाह 2 से 3 दिन लगेंगे, सेट हो जाएगा बच्चा। चले भाई जमील भाई इंशाल्लाह सुबह आपसे मुलाकात होगी, आपका बच्चा एडमिट हो गया, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी भाई की आ गई करें आपकी वजह से मैं आज सुकून की नींद। अरे कोई मसला नहीं मेरी जान, जाओ भाई की आ गई आपकी, भाई भाई की भाई के करवा दिए, सही है भाई अब सुकून से घर जाएंगे, इनका बच्चा अपनी मदर के साथ शिफ्ट हो गया वार्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, सही है सुबह आ जाए फिर आप। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़। तो ये सब कुछ करने के बाद आपका भाई पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह घर पे, और यार थक गया हूँ सुबह से निकला हुआ था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाप के चेहरे पे जो मैंने सुकून देखा ना, क्योंकि उसका बच्चा एडमिट हो गया यार, बहुत ज़्यादा सुकून फील हो रहा था उसे, और बोल रहा है फाद भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे की ट्रीटमेंट अच्छे से स्टार्ट हो गई यार, डबल नमोनिया फैल गया था उसके ना बहुत ज़्यादा सीने के ऊपर ना, अब वो जब सांस ले रहा ना जैसे मर्द नहीं लेते, एक बड़ा आदमी लेता सांस इस तरीके से सांस ले रहा था, आवाज़ आ रही थी ना पेट पर, बहुत तेज तेज सांस ले रहा था, तो डॉक्टर वगैरह ने उनके कपड़े वपड़े उतारे, उसके बाद उसको ऑक्सीजन लगाया, ये वो आईसीयू में रखा उसके अंदर ना, अब उसके बाद उन्होंने अभी लास्ट टाइम 1 घंटा पहले बोला कि भाई अब बच्चे की कंडीशन ना थोड़ी बेहतर नॉर्मल है, इसको हम वार्ड में शिफ्ट करेंगे, मदर रुक सकती हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया आज, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं यार। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें, मेरी तो बैटरी लो होती जा रही है, और इंशाल्लाह 2-3 दिन तो एक्टिविटी यही रहेगी कि जाके बच्चे की तबीयत देखनी पड़ा करेगी, और जो दवाई वगैरह के हिसाब किताब उनको भी देखना पड़ेगा, तो सपोर्ट कर देना भाई को, बस चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़।